हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। मैं एक एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ, देखिए सक्सेस होता है या फेल होता है। आप लोग भी चलिए, वैसे ये तो बहुत से लोग करते होंगे लेकिन मैं भी करने जा रही हूँ। मुझे ये नानी ने बताया था अपने मन से, फिर भी नहीं ना। नानी की पायल बहुत गंदी हो गई थी तो वो साफ़ करने जा रही थी, तो मैंने बोला लाओ मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में पानी गर्म कर लिया, उसमें ना थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाला है और उसमें डिटर्जेंट पाउडर भी डाला है, आधी चम्मच सोडा आधी चम्मच पाउडर, और थोड़ी देर गर्म पानी में भिगो के रख दिया है। और उसके बाद ना ये ब्लैक ब्लैक जितना रहता है ना चांदी के ऊपर, वो सारा निकल गया। ब्रश से साफ़ कर दूँगी और अच्छे से निकल जाएगा। देखिए साफ़ करने के बाद आपको दिखा दूँगी। मैंने ना इतनी बड़ी हो गई, मैंने आज तक अपनी थ्रेडिंग नहीं बनवाई। यहाँ पर ना मेरे दानों हो रहा है, दर्द भी दे रहा। मैंने आज तक अपनी थ्रेडिंग सही है बनवाने लायक नहीं। मुझे ना शौक लगा है बनवाने का। मुझे पार्लर जाओ, पार्लर नहीं जा रही हूँ। यहीं पर एक जो आंटी रहती है ना पास में, ये जहाँ समस्या है वो, तो मैं उनके पास जा रही हूँ, ट्राई करवा रही हूँ कि कितना लगता है, दर्द होता है, अगर होगा तो भगाऊंगी, इसलिए पार्लर में नहीं जा रही। वो आते रहते हैं, पहचानने लगते हैं ना लोगों को, तो एक अलग विभाग बन जाता है। और पार्लर में तो जल्दी जल्दी मचाएंगी, वो बैठेंगे करने के लिए फटाफट करके रख देती है ना, मैंने देखा है मौसी के साथ। और दर्द होता है, बहुत बुरा दर्द होता है पार्लर में। और अभी बज रहा है शाम का 5 बज रहा है और मैं अभी जा रही हूँ पार्लर वाली आंटी जी के पास। आंटी जी जो मेरी आईब्रो सेट करेंगी, पहली बार कराना है आंटी जी। क्या होता है, दर्द होता है? नहीं दर्द नहीं होता है, नहीं होता, बहुत सॉफ्ट हाथों से बना हुआ। अच्छा हाँ। लेकिन आंटी जी ने चॉकलेट दे दी है पहले से, अगर दर्द हो तो रोना चुप कर लेना। चुप कराने के लिए उन्होंने सोल्यूशन दे दिया है, लेकिन मुझे ना पूरी बनवानी नहीं है, सिर्फ ये जो साइड साइड है ना साफ करवानी है। दर्द तो नहीं होगा पक्का? नहीं नहीं पक्का। हाँ तो इन लोगों के लिए तो अभी इनके कस्टमर भी आए हैं, लेकिन ये पहले मेरा काम करेंगे क्योंकि मैं काफ़ी देर से बैठी हूँ। और ये गुड़िया है इनकी, ये मेरा वीडियो शूट कर देंगी थोड़ा सा, ठीक है? हाँ आ जाओ। आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना ओवर एक्टिंग कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं उनसे बार बार टोकती जा रही हूँ, सच में मैं पहली बार बनवा रही हूँ, मुझे पता नहीं है। लेकिन इतना मौसी लोगों के साथ जाके देखा है कि दर्द तो होता है, लाल पड़ जाता है। एक मिनट यहाँ पर ना आंटी जी ने बहुत आराम से आईब्रो सेट की थी मेरी, क्योंकि उन्होंने बता दिया था पहली बार है। और सबको ये बोल रही थी कि 5 मिनट मसाज करते हैं, लेकिन मुझे ना इन्होंने 10 से 15 मिनट अच्छे से मसाज किया, जिससे वजह से काफ़ी रेस्ट मिल रहा है, मतलब इतना दर्द नहीं हुआ। और ये रहा मेरा फाइनल लुक, जो भी पहली बार बनवाया। मुझे तो आइडिया नहीं है, जो लोग बनवाते रहते हैं उनको पता रहता है कि हमारी बिगड़ी की बनी, हमको नहीं है पता कि हमारी बिगड़ी है कि बनी है, आंटी जी को पता होगा। आंटी जी के पास पूरा सामान है, बस ये किया है कि उनका मकान बन रहा था ना, उस वजह से थोड़ा सा कमरा चेंज हो गया था, तो पार्लर सेट नहीं हो पाया, ऐसा लगता है घर जैसा। लेकिन नहीं, ये पार्लर ट्रेनिंग भी देती हैं। मुझे भी दे देना पार्लर ट्रेनिंग, मेकअप
हाँ बिल्कुल दूंगी, मेकअप मैं कर सिखाती हूँ। अंजल जी दो टेढ़े मेढ़े दे दीजिए। किचन में और मैं जा रही हूँ पुलाव बनाने, क्योंकि आज मेरा मन था पुलाव खाने का। मामा जी भी बोल रहे थे तो मैं बना ले रही हूँ यहाँ पे पुलाव, और बाकी खाना तो बन चुका है क्योंकि नानी नाना जी तो दवा खाने की वजह से शाम को 7 बजे ही खाना खा लेते हैं। उनका डेली का नियम है कि वो शाम को 7 बजे खाना खा के फ्री हो जाते हैं, फिर आप कुछ भी बनाओ वो नहीं खाएंगे, क्योंकि उन लोगों को दवा ववा अपना टाइम टेबल बना के रखा है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपना फेवरेट पुलाव बना ले रही हूँ सोयाबीन डाल के। खाना पीना जल्दी करना था तो आज जानबूझ के देर हो गई है, क्योंकि मामी को आज मेहंदी लगाना था, करवा चौथ है कल, इस वजह से। लेकिन खाना सोचा था जल्दी बना लेंगे, लेकर आया बहुत लेट हो गया है। पर मैंने सारे मसाले डाल दिए, सोयाबीन डाल दिया, और मैंने ना इसमें आलू और टमाटर मिक्स नहीं किया है, क्योंकि टमाटर थे नहीं घर में और आलू मुझे डालना नहीं था, आलू का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा था, इस वजह से मैंने इसमें आलू नहीं डाले, बस सोयाबीन और प्याज वगैरह डाल के छौंक दिया है। बन गया मेरा गर्मा गर्म पुलाव, और खुशबू से ना और भी ज़्यादा भूख लगाई है, वैसे भी देर हो गई थी आज खाने में और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, तो बस अब तो सीधे खाना खाने जाना है। और अपने हाथ की बनाई चीज़ चाहे जैसी हो अपने आपको बहुत अच्छी लगती है, बाकी अब मुझे नहीं है, वैसे तो दिख तो अच्छा रहा है, और पता नहीं है मामा को और मामी को कैसा लगेगा, लेकिन मुझे तो इसकी खुशबू से बहुत अच्छी आ रही है और टेस्ट भी खाने में काफ़ी अच्छा ही था। और ये बन गया मेरा गर्मा गर्म पुलाव। आज ना मैंने डिनर में पुलाव बनाया है सबके लिए, बाकी खाना रखा था दलिया वगैरह ना मैं जिन लोगों के लिए, तो इसलिए ये बाकी लोगों के लिए पुलाव बना लिया। और आप लोग भी आ जाइए, हम लोग को जा रहे हैं खाना खाने। कैसा बना? अच्छा लग रहा है। मामी सारे, मैंने तो खाना बहुत पहले खा लिया था, लेकिन मामी रह गई थी, मामी अपने सारे काम निपटा के आए हैं, बिट्टी सेवांशी को सुला के अब मैं जा रही हूँ मामी के हाथ में मेहंदी लगाने। एक हाथ में तो इन्होंने लगा ली थी दिन में, दूसरे में रह गया है तो मैं लगा दूंगी। और आशीर्वाद कर लो वो मैं दिखा रही थी मेहंदी। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ मामी को मेहंदी लगाने, जैसा पता ही होगा सब लोगों को मुझे ना मेहंदी लगाने का बहुत शौक है, अपने हाथ में लगाते हो उतने अच्छे से बनती नहीं है, दूसरों के हाथ में ज़्यादा अच्छे से बन जाती है ना पकड़ के दोनों हाथ। और जब तक मामी खाना खा रही थी ना, तो मैं नानी जी के भी एक हाथ में लगाई हूँ, जैसी भी बनी हूँ लेकिन लगाई आई उनके हाथ में भी, और यहाँ मामी के भी एक हाथ, उनका मैंने खुद कह दिया था कि आप एक हाथ में मत लगाना, एक में मैं लगाऊँगी, एक में तो उन्होंने दिन में खुद ही लगा। तो यहाँ पर बोल रही थी कि सिंपल सी लगाना, तो मैंने एक सिंपल सी डिज़ाइन बना दी है ये फ्लावर फ्लावर वाली, और कोई अच्छी तो ज़्यादा आती नहीं है मुझे, सिंपल ही आती है, तो मैंने वैसी सिंपल सी लगा दी है। और मुझे ना मेहंदी लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है, मैं पहले रामा मौसी के पास रहती थी ना, तो कोई भी त्यौहार होता था मैं उनके मेहंदी लगाती जरूर थी, वो एक बार मना भी कर देती थी कि नहीं अब नहीं लगाएंगे रात हो गई है, लेकिन नहीं मैं ज़बरदस्ती उनको लगाती थी हर त्यौहार में, इस बार मामी को। ये लग गई मामी की मेहंदी, मामी को ना भर के हाथ नहीं लगवानी थी, तो मैंने डिज़ाइन बना दी फूल फूल वाली, सीधे डिज़ाइन बना दी, और ये डिज़ाइन मुझे बहुत प्यारी बहुत सुंदर लग रही है, सच में बहुत सुंदर बनाई है।
पता आप लोगों को एक बात बताऊं, मैं मेहंदी लगा रही थी, मामी उस साइड सोफे में सर लगा के सो रही थी, हम मेहंदी लगा रहे हैं, मामी सो गई थी। वैसे इतनी जल्दी नहीं सोती है, लेकिन वो मेहंदी लगवाने ऐसा होता है ना कि हेयर ऑयलिंग करवाओ या मेहंदी डिजाइन लगवाओ तो बैठना पड़ता है, नींद आ जाती है। हम मेहंदी लगा रहे थे, हमारी मम्मी ऐसे ढकी थी। चलिए तो चलते हैं, मेहंदी तो लग गई, अगर मेरा मन करेगा तो मैं भी अपने हाथ में लगाऊंगी। लगा देना, अब तो टाइम हो गया, लेकिन अब तो टाइम हो गया है, कल देखेंगे। 11 बज रहा है मामी, 11 बज गया, तो चलिए अब तो जा रहे हैं हम लोग सोने, गुड नाइट। और मामी जी के हाथ में तो मेहंदी लगा दी है, लेकिन किचन का थोड़ा सा काम रह गया था तो मैं करे दे रही हूँ। मामी बोल रही थी रहने दो सुबह कर लेंगे, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा कर देती हूँ। और बस इसी के साथ मैं कर रही हूँ अपना वीडियो एंड। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक लिए बाय, गुड नाइट।